भाई हम लोग बात करने वाले हैं रिक फ्लेयर की, दूसरी कंपनी में डेब्यू है, अमेरिका में उनकी डेब्यू हो गई कंफर्म। दूसरी रेसलिंग काफ़ी बड़ी रेसलिंग है ये, NWA 73 साल जो उनकी एनिवर्सरी वो होगी। पूरी रेसलिंग की इसी बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी कल पेपर व्यू होगा NWA 73, ये पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा। उस पर अपना रिटर्न करेंगे रिक फ्लेयर, काफ़ी बड़ी कंपनी ये और बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने आपको बताया अभी कौन किधर की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है गाइस, ऑस्ट्रेलिया की है, लाइक इसकी है कंपनी भूल गया मैं। तो जैसे कि ट्रिपल मीडिया आपने देखा रहेगा, उधर मैच हुआ था केनी ओमेगा वर्सेस अल्ट्रा नेल, बोलोगे उसमें रिक फ्लेयर ने डेब्यू किया। अभी AEW में भी काफ़ी रूमर आ रहे वो आएंगे रिक फ्लेयर अपना डेब्यू करेंगे। कल देखते वो कंपनी में जाएंगे रिक फ्लेयर, तो अभी AEW में भी आएंगे। WWE हॉल ऑफ फेमर है 2 टाइम ये रिक फ्लेयर, और अभी AEW में भी आएंगे। ये दो कंपनियों के बाद डेब्यू करके सीधा फिर AEW में आएंगे। रमड़ तो आ रहे भाई, अभी देखेंगे क्या अपडेट आती है रिपोर्ट के अंदर। अगर ये अपडेट आती है ये कंपनी से फिर AEW में जा रहे हमारे रिचर बॉय रिक फ्लेयर। अगर AEW में आते तो भाई काफ़ी बहुत मजा आएगा, वो अंडरटेकर के हमें देखने को मिल सकते। क्या बोलते हैं यार, नहीं आ रहा जैसे कि केनी ओमेगा नहीं है वैसे। ठीक है गाइस, कल हमें इनका डेब्यू देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ये कंफर्म अपडेट है, ये फाइनल अपडेट है, कल इनका डेब्यू देखने को मिलेगा। चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सरप्राइज नहीं किया सरप्राइज कर दो चैनल को। और तो भाई मेरे चैनल को यही सरप्राइज करो, फॉलो करो चैनल को, और इंस्टा ट्विटर को भी फॉलो करो मेरे नाम से क्रिस रामन करके। कमेंट में अपना रिसेंट थॉट बताना। बाय बाय गाइस।